हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी 2019 और ये हमारी 84वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को साल में 6,000 रूपए दिए जाएंगे। अब ये योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है, तो मैप में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें, ये जगह है उत्तर प्रदेश को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं राम नाईक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण लॉस एंजलिस में आयोजित किया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन है 91वां संस्करण। हाल ही में 91वां ऑस्कर अवार्ड का संस्करण लॉस एंजलिस में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय डॉक्यूमेंट्री एंड ऑफ सेंटेंस भी रेस में है। आपको बता दें, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 यानी 1929 में की गई थी। तो आपको ऑस्कर अवार्ड के बारे में इतना याद रखना है, इसका 91वां संस्करण लॉस एंजलिस में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शूटिंग वर्ल्ड कप में हाल ही में किसने गोल्ड मेडल जीता है? जिसका सही ऑप्शन है अपूर्वी चंदेला। हाल ही में अपूर्वी चंदेला ने शूटिंग वर्ल्ड कप जो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आपको याद रखना है, शूटिंग वर्ल्ड कप में पहला गोल्ड मेडल अपूर्वी चंदेला ने जीता है 2019 में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किस देश में IS आतंकवादी संगठन का खात्मा हुआ है? जिसका सही ऑप्शन है सीरिया। हाल ही में सीरिया में IS आतंकवादी संगठन का खात्मा हुआ है। सीरिया में 20 साल बाद IS का अंत हो गया है और लगभग 2500 लड़ाकों ने हाल ही में सरेंडर किया है। अब बात आई है सीरिया की, तो मैप में आपको सीरिया के बारे में बता दें, ये जगह है सीरिया को दर्शाती है। सीरिया की राजधानी है दमस्कस और करेंसी है सीरियन पाउंड। सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद और सीरिया के प्रधानमंत्री हैं इमाद खामिस। तो इतना आपको सीरिया के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में T20 का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? जिसका सही ऑप्शन है अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान ने 278 रन यानी 278 रन बनाए हैं, जो T20 का सर्वाधिक स्कोर है। इसने आयरलैंड के खिलाफ ये रन बनाए हैं। तो आपको याद रखना है, T20 का सर्वाधिक स्कोर क्रिकेट में जिस टीम ने बनाया है वह है अफगानिस्तान। अब बात आई है अफगानिस्तान की, तो मैप में आपको अफगानिस्तान के बारे में बता दें, ये जगह है अफगानिस्तान को दर्शाती है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, करेंसी है अफगानी और राष्ट्रपति है अशरफ गनी। तो इतना आपको अफगानिस्तान के बारे में याद रखना है। हाल ही में इसने T20 में सर्वाधिक स्कोर बनाया है और वह स्कोर है 278 यानी 278 रन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में किस देश में राजकुमारी सूरी रत्ना की स्मृति में एक स्टाम्प जारी किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है साउथ कोरिया। हाल ही में साउथ कोरिया में राजकुमार सूरी रत्ना की स्मृति में एक स्टाम्प जारी किया गया है। अब ये राजकुमार सूरी रत्ना कौन है, तो आपको इनके बारे में बता दें, ये अयोध्या की राजकुमारी थी। इन्होंने कोरिया के शासक किम सूरी से शादी की थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण कोरिया का दौरा किया था, जहां गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और इन्हें वहां सियोल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपको याद रखना है, साउथ कोरिया में प्रधानमंत्री मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार और सूरी रत्ना जी के स्मृति में एक स्टाम्प जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल ही में किस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन PM मोदी जी ने किया है? जिसका सही ऑप्शन है परम शिवाय सुपर कंप्यूटर। हाल ही में परम शिवाय सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन
पीएम मोदी जी ने किया है। इस कंप्यूटर का निर्माण राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत किया गया है। इसका उपयोग सिंचाई योजना, ट्रैफिक प्रबंधन, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में किया जाएगा। इसका उद्घाटन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया गया है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को IITBHU के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन, इसका नाम है परम शिवाय, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने IITBHU से किया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है चार्ल्स मेटकाफ को। चार्ल्स मेटकाफ जो 1935 से 1936 तक भारतीय गवर्नर रहे हैं और इन्होंने भारतीय प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, जिस कारण भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थिंकिंग डे हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें, यह दिवस वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट द्वारा मनाया जाता है। आपको बता दें, वर्ल्ड स्काउट डे भी 22 फरवरी को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे और वर्ल्ड स्काउट डे 22 फरवरी को मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी प्रसार सभा की स्थापना किसने की थी? तो हिंदी प्रसार सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। आपको बता दें, 1918 में महात्मा गांधी जी ने इस सभा की स्थापना की थी। हाल ही में इस संस्था ने अपने पूरे 100 वर्ष किए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दक्षिण भारत में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया और इस सभा का जो मुख्यालय है वह चेन्नई में है। हिंदू प्रसार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है और 1964 यानी 1964 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है, हिंदी प्रसार सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1918 यानी 1918 में की थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों को 48,239 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान की है? तो इसका सही ऑप्शन है 12 सरकारी बैंकों को। हाल ही में 12 सरकारी बैंकों को केंद्र सरकार ने 48,239 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान की है। यह फैसला इन्हें ऋण देने में वृद्धि, विकास की गति में उद्देश्य से लिया गया है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा राशि 9,086 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन बैंक को दी गई है। तो आपको याद रखना है, केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 बैंकों को 48,239 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान की है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।